हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाथ में देखकर आप कैसे पता करें कि सरकारी नौकरी होने के चांसेस हैं या नहीं है। सबसे पहले ये समझना है कि हमारे हाथ में या कुंडली में जो हमारा जो सूर्य ग्रह है, जो सन प्लैनेट है, वो किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सन क्या है, सन एक ग्रह है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसा कि मैंने लिखा है कि सन लाइन रिप्रेजेंट्स सोल, ये आपकी आत्मा के कारक होते हैं। एक इंसान के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो आत्मा है वो साक्षात सूरज है। आपके जो गवर्नमेंट जो है वो आपके सूरज है। आपके जो फादर है, पिता जो है, वे साक्षात सूर्य ग्रह को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आदमी के जीवन में जो भी नेम और फेम जो भी मिलता है वो सूर्य ग्रह की वजह से ही मिलता है। डिग्निटी हो गया, वेल्थ, जो भी धन, वो भी सूर्य ही कारक है। पावर, ऑथोरिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, किसी भी तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटी के कारक सूर्य भी होते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, मेंटल पीस भी आपको ये सूरज ही देता है। ठीक, योर राइट आईज, आपका जो दाया आँख है वो सूरज वो रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर ऑर्गेन्स की अगर बात करें तो वो पूरा का पूरा हमारे हृदयों पर वो रूल करता है और हड्डियों पे, बोन पे रूल करता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी सूर्य ग्रह के विषय में। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। जो प्राइम इंडिकेशन है, जैसे ही किसी का हाथ देखते ही आप कह दें एक बार में कि हाँ, तुमको या तो आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आप गवर्नमेंट से धन आने के आपके योग है या नहीं है वो आप हाथ देख के आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो से मैंने बताने का मैंने प्रयास किया है कि तीन चार लाइन बहुत बेसिक लाइन है जिसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये पूरा का पूरा ये हमारा ये लाइफ लाइन है, आप देख रहे हैं कि फेट लाइन कौन सा है। ये पूरी पूरी ये खड़ी रेखाएं जो है, जो मैं एरो से बताना चाह रहा हूँ कर्सर से, ये हमारा फेट लाइन है। ये पूरा का पूरा ये हमारा ये ब्रेन लाइन है और ये हमारा हार्ट लाइन है। ये बेसिक लाइंस है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे की जो भी बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझना है कि हाथ में सन का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। ये जो अनामिका उंगली जो होती है, ये प्लैनेट सन को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो नीचे का जो भी भाग है, जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेशन में देना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये सूर्य क्षेत्र ये कहलाता है। ये दोनों उंगली के मध्य से आप ये रेखा खींच सकते हैं और फिर ये छोटी उंगली और अनामिका उंगली के मध्य से एक रेखा आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा ये एरिया जो है, ये सन का क्षेत्र होता है। अगर इस क्षेत्र में अगर छोटी सी भी अगर रेखाएं हैं तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सन आपका फेवरेबल है। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि कैसे देखते ही मैं कैसे आप बता सके कि हाँ, या तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, या आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के योग है। ये धन रेखा कहलाता है, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये फेट लाइन भी है, भाग्य के का रेखा भी कहलाता है और ये धन रेखा भी कहलाता है। कोई भी लाइन इस धन रेखा से निकलकर एक ब्रांच, ये एक शाखा, ये अगर सूर्य क्षेत्र में अगर चला जाए तो निश्चित ही वो जातक गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार का वो धन अर्जित करता है।
चाहे उसे गवर्नमेंट का टेंडर ही क्यों ना मिल जाए, और ये बहुत ही प्राइम इंडिकेशंस होता है सरकारी नौकरी मिलने का। मैंने बहुतों का हाथ देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने हाथ देखा है, और बाद में मैंने उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलते हुए मैंने देखा है, उन लोगों के हाथ में ये जो रेखा एकदम प्राइम रेखा जो ध्यान रेखा से होते हुए सीधे सूर्य रेखा में चली गई है। अगर ये इंडिकेशन अगर आपके हाथ में भी है तो इसका मतलब है कि आपको अगर अभी तक गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं अगर हुआ है तो एकदम निश्चिंत रहें। टाइम जिस टाइम में ये रेखा आपके फेट लाइन को वो टच कर रहा है वो टाइम आते ही आपको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी। ये एकदम प्राइम इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर कोई भी रेखा इसी धन रेखा से फेट लाइन से निकलकर अगर बृहस्पति माउंट तक चली जाए तो ये भी प्राइम इंडिकेशंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, हाथ में कौन कौन से लाइंस होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटे से वीडियो में सारी बातों को बता पाना एक ही साथ ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही प्राइम इंडिकेशन है जो मैंने बताया। आगे और भी गवर्नमेंट जॉब की जो भी प्राइम इंडिकेशंस होंगे उससे रिलेटेड मैं आगे और भी मैं बहुत सारा वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, पढ़े, समझने का प्रयास करें। और ये प्राइम इंडिकेशन है, किसी के भी हाथ में आप देख ले, आपके घर परिवार में, दोस्तों में, रिलेटिव में कोई भी अगर व्यक्ति किसी प्रकार से गवर्नमेंट से उसको धन की प्राप्ति हो रही है जॉब कर या टेंडर लेकर, आप उसके हाथ में ये जरूर दे, आपको जरूर ये रेखा आपको कहीं ना कहीं आपको वो नज़र आएंगे ही, बारीकी से आप देखिए एकदम। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा गवर्नमेंट जॉब के और भी इंडिकेशन जो होते हैं उसको लेकर, लेकिन ये प्राइम इंडिकेशन है, आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। तब तक के लिए आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, ओके।